तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। मैं देखना चाहती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसा होता है। तुम्हें पता है अनाया, मैंने जिंदगी में जो चाहा वो मुझे मिला। मेरे डैड ने मुझे कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। तो ऐसे इंसान के लिए किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। मगर उसके बावजूद मैं वो गरीब लड़की हूं जिसके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं। और तुम वो अमीर लड़की हो जिसके पास रिश्ते हैं, मोहब्बत है। देखो मुनि से, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुनि से मैंने कभी मायर को तुमसे नहीं छीना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मासरत के साथ तुम्हारी बदकिस्मती कि मायर को तुमसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन अगर मायर को तुमसे मोहब्बत होती तो दुनिया की कोई ताकत, कोई शख्स मायर को तुमसे छीन नहीं सकता था। तुम ठीक कह रही हो, मायर को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं, उसके दिल में मेरे लिए वो जगह कभी भी नहीं थी। अगर वो मेरा दोस्त तो था, तो मेरा ये काम कर सकती हो? कैसा काम? कम से कम मेरा दोस्त मुझे वापस लौटा दो। मैं कुछ भी कर लूं, वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता। दोस्त है मायर, अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं मुनिस, लेकिन शायद तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे। देखो, मुझे मायर को तुम्हारी तन्हाई का, तुम्हारे दुख का एहसास है, हमदर्दी है, कि मुनीज़े एक दोस्तों वाला, बहनों वाला मशवरा है। तुम अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाओ, खुश रहो, यही सोच के कि मायर खुश है। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो। हाँ मुनी से बोलो। हाय माय, कैसे हो तुम और इस वक्त कहाँ? ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा, वो मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आई थी और मैंने अनाया को बैठे हुए देखा, तो आई थॉट शायद तुम भी उसके साथ हो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, अनाया तो घर पे है। गलतफहमी कैसी, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। अरे हो ही नहीं सकता, अभी मैं घर पे था उसके साथ, और अगर उसे कहीं जाना होता तो वो मुझे बता देती। इसमें इतनी बहस करने वाली क्या बात है, तुम उससे खुद पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रखती हूँ। हैव अ गुड डे। हेलो जी बेटे। जी अम्मी,
अनाया घर पे है? वो तो घर पर नहीं है बेटे, करीम की तरफ गई है। मैंने उसे बड़ा कहा कि तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बशारत के साथ भेज दिया उसे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। हाँ बशारत, कहाँ हो तुम? सर रास्ते में घर की तरफ आ रहा हूँ। अनाया मैडम तुम्हारे साथ है? नहीं सर, वो रास्ते में उतर गई और कह रही थी कि घर चले जाओ, बेगम साहब को कहीं जाना है। ठीक है, ओके।